वहीं धारा 370 हटने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक सपना था जो साकार हुआ, एक संकल्प था जो पूरा हुआ। एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। आज श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय और हजारों राष्ट्रभक्तों का सपना पूरा हुआ। हम उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो एक तरफ जहां धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा दी गई है, तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर सभी को बधाई दी। जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने कहा कि अब यहां पे आतंकवाद का खात्मा भी होगा। उन्होंने कहा कि एक सपना था जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साकार हुआ है। तो बता दें कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के साथ ही यहां पर लेह लद्दाख को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया है। केंद्र शासित राज्य बिना विधानसभा के लेह लद्दाख होगा, तो वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित राज्य होगा। इसके तहत 370 जो विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर को दिए गए थे वो सभी समाप्त कर दिए गए हैं।